हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। आज थोड़ी धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा चलो आपको अपने एक पट्ठे का शो करवाता हूँ। ये एक पट्ठा मेरे हाथ में, चीना पट्ठा है, लाल चीना पट्ठा है ये। मैं आपको इसकी सबसे पहले आंख दिखाता हूँ। इसकी आंख देखिए ज़रा, धूप इतनी क्लियर नहीं है जिस वजह से शायद आंख भी आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, बट आप इसका शौक करिए। फिर भी ये इसके पर हैं, ये इसकी बगल है, बगल के पर देख सकते हैं आप इसके कितने लेंथ में हैं। ये इसके बाहर के चार पर हैं, आखिरी तीन पर देख सकते हैं आप इसके। वाइब्रेशन भी आपको नज़र आ रही होगी इस कबूतर में। ये इसकी पूरी बगल मैंने खोल के दिखाई आपको, अब देखिए वाइब्रेशन भी देख लीजिए। ये इसका दूसरा कुंदा, इसके बगल के पर देखिए, इसकी आखिर की तीन कलियां देखिए, ये बीच में इसकी नौवीं कली इसकी आ रही है। ये इसके पंजू का शो करिए अभी। इसकी दुम का शो करिए। अब ये मेरे हाथ में ना बड़ा बुरा मानते हैं ये, तो ये इसकी दुम देखिए, बिल्कुल बंद दुम का ये। ये पूरी बनतर इसकी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कबूतर खोले थे तो कबूतर मेरे कटे हुए हैं तो उड़ गए थे, कुछ आगे पीछे बैठ गए दूसरे तीसरे शतू में, तो अभी वेट कर रहा हूँ उनका आने का। इसकी आंख फिर से देखिए ज़रा एक बारी, इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप गर्दन के नीचे, ये बिल्कुल लाल पर हैं इसके, ब्राउन कलर के जो होते हैं। ये ओवरऑल इसकी बनावट, ये काफी उड़ा हुआ मेरे पास ये पट्ठा नरा, ये इसको मैंने दो तीन उड़ाने दी थी तो 11, 11:30, 12 बजे तक ये गया था, तो उसके बाद इसको मैंने फिर रोक लिया, सर्दी आ गई। तो ये इसकी आंख देख सकते हैं आप, शायद क्लियर हो जाए। इसकी दूसरी आंख भी देखिए जरा, ये मेरे जिस कबूतर का ये बच्चा है वो मेरे पास काफी उड़ा हुआ है वो जोड़ा, तो ये उसका पट्ठा है आगे। तो अभी गर्मी में देखेंगे ये क्या रिजल्ट देता है। 11, 11:30 तक तो उड़ा हुआ है मेरे पास, आखिरी उड़ान ही गया था 12:15 तक, चार उड़ाने दी थी इसको मैंने टोटल, उसके बाद इसको मैंने काट दिया। अभी ये इसके जो पर हैं बीच में नए हैं कुछ, काफ़ी लंबी बगलें हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप यहाँ से काफ़ी लंबी बगलें हैं इसकी। ये वाइब्रेशन भी दिख रही होगी आपको, बिल्कुल पतला कुंदा इसका, यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं है, इसको बोलते हैं फैट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, टोटली परों की गुलाई देख सकते हैं आप इसके। ये देखिए वाइब्रेशन देखिए, पर देखिए बाहर के जो तीन पर हैं उनको भी देखिए, अंदर वाले पर भी देखिए जो हैं, ये वाले पर देखिए आप, वाइब्रेशन देखो ज़रा इसकी, वाह जी क्या वाइब्रेशन है यार, मज़ा आ गया इसको देख के। आज शायद इसको मैंने पहली बार पकड़ा है, इस पट्ठे को ना शायद पहली बार पकड़ा मैंने। ये देखो जी वाइब्रेशन, क्या वाइब्रेशन है इसकी, मज़ा आ गया देख के। आप भी चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी वाइब्रेशन, इसकी आंखें, इसके पर,
इसकी जो हड्डी है वो करीबन 4 उंगलियों की है और जोड़ जो है बिल्कुल हड्डियों के साथ है, तो बंद जोड़ का ये बिल्कुल टोटली बंद जोड़ का है ये। ये आप देख सकते हैं इसकी बनावट, इसकी आँख का शौक एक बार फिर से करिए ज़रा। बिल्कुल हर रिंग इसका नज़र आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है, आपको पता नहीं क्लियर है कि नहीं है, फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी आँख, इसके पर, इसकी बनावट पूरी, ये इसका रंग जो है कैसा लगा। ये काफ़ी जो है मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी उड़ने वाली नस्ल है, तो आप भी ज़रा अपनी राय बताएं कमेंट करके कि क्या है इसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। इसकी आंख अगर आपको क्लियर नज़र आ रही है तो देखिए ज़रा, थोड़ा सा अब देखिए ज़रा, हल्की लालगी है इसकी आंख में, सारे रिंग इसके जो हैं प्रॉपर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। आखिर में जो पांचवा रिंग होता है वो भी देखिए काला बिल्कुल। दूसरी आंख का शौक फिर से कर लीजिए इसकी, बिल्कुल बारीक पुतली है इसकी, पलकें भी इसकी बिल्कुल बारीक सी हैं। दुम इसकी देख सकते हैं आप, आपके सामने है, मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, तो बिल्कुल बंद दुम का ये उड़ता भी बंद दुम करके, ये नीचे जब ये उड़ता है ना तो काफ़ी तेज़ उड़ता है, ऊपर जाके फिर ये हल्का सा स्लो होता है, जब काफ़ी आसमान पकड़ लेता है ये फिर ये स्लो हो जाता है, फिर उसके बाद ये दुम खोलता है। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आपको और नई नई वीडियोस में अपने नए नए कबूतरों के बारे में बता सकूं, उनका शौक करवा सकूं।